मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई दोनों राज्य में विजय हुए, आज आवाज ऐसी होगी क्या? दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों आज दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विजय के अवसर पर आज जब हम यहां एकत्रित हुए हैं तो सबसे पहले मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आज जो दोनों राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें महाराष्ट्र के अंदर भाजपा सेना युति पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। हरियाणा में गत विधानसभा चुनाव से अपने वोटों में 3% की बढ़ोतरी करते हुए हम सबसे बड़े दल बनकर उभरे हैं और ये भी हरियाणा की जनता का, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मित्रों आज मैं आप सबके माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस बात की विशेष बधाई देना चाहता हूं कि मोदी 2 में पहले दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर आगे बढ़ गई। मित्रों ये दोनों राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र हमारे परंपरागत राज्य नहीं थे। हरियाणा में कभी हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे, महाराष्ट्र के अंदर भी कभी हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत देकर केंद्र में सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तुरंत चुनाव आया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दोनों सरकारों ने पांच साल तक जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए दोनों राज्यों के विकास के लिए समभाव के साथ सबका साथ सबका विश्वास के सूत्र को चरितार्थ करते हुए सरकार चलाई और एक जीरो करप्शन वाली सरकार दोनों राज्यों में देने का काम भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने किया, श्री देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर जी ने दोनों राज्यों की जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए ये सरकारें चलाई। और 5 साल पूर्ण करने के बाद जब चुनाव का नतीजा आया मुझे इस बात का आनंद है दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। दोनों राज्यों की जनता ने हमारे मुख्यमंत्रियों को काम को ठप्पा लगाने का काम किया है।